हल्द्वानी के गोलापार इलाके से अंतर्राज्यीय बस अड्डे को शिफ्ट करने का मामला अब्दुल पकड़ता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सोची समझी साजिश करार दिया। गोलापार से लेकर लालकुआं तक के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने आज आईएसबीटी के मुद्दे को लेकर हल्द्वानी बुद्ध पार्क पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते आईएसबीटी का शिलान्यास भी कर चुके थे, लेकिन श्रेय लेने की होड़ में बीजेपी सरकार है। योजना थी 2.5 करोड़ रुपये इसमें संतलीकरण और इसके कई कार्यों में लग चुका था, तो ऐसी क्या वजह थी ये सरकार ने जगह चेंज कर दी। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जहां पर प्रस्तावित है गोलापार में ही ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा बने, और इसमें हाईकोर्ट में भी रिट की गई है लेकिन उसमें 1 साल 2 महीने से कोई भी डेट नहीं लगी हुई है, और हम लोग अगर ये सरकार नहीं मानेगी तो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में भी जाएंगे और ये बस अड्डा गोलापार में ही बनाएंगे।